पहले समय में श्री नारद जी ने विष्णु भगवान से लक्ष्मी नारायण के व्रत के बारे में पूछा था, तो लक्ष्मी नारायण विष्णु भगवान ने नारद जी को व्रत के बारे में बताया। तो एक दिन योगीराज नारद जी दूसरों की इच्छा से अनेक लोगों में घूमते हुए इस मृत्यु लोक में आ पहुंचे हैं, और यहाँ मृत्यु लोक में अनेक लोगों को अपने अपने कर्मों से दुखी देखकर और विष्णु लोक को गए, जहाँ श्वेत वर्ण वाले चार भुजा वाले देवों के देव भगवान थे। लक्ष्मी नारायण उनके हाथों में संत चक्र गदा परम थे, वरमाला पहने हुए थे। ऐसे श्री लक्ष्मीनारायण भगवान को बारंबार नमस्कार करने लगे, हाथ जोड़कर कहने लगे, हे प्रभु आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं, आपकी माया को ब्रह्मा आदि देवता भी नहीं जान पाए। तो विष्णु भगवान कहने लगे, भैया नारद आज किस काम के लिए यहाँ विष्णु लोक को आगमन हुआ है, विष्णु को जोकर हमसे कहें। तो नारद जी कहने लगे, हे प्रभु जिस पृथ्वी लोक में अर्थात ये पृथ्वी लोक है, जो मृत्यु लोक है पृथ्वी लोक है, यहाँ अनेक योनियों में जन्मे सभी मनुष्य अपने अपने कर्मों से बहुत दुखी हैं, तो कृपा करें कोई ऐसा उपाय करिए जिसके करने से हमें मनवांछित फल की प्राप्ति हो एवं हमारा उद्धार हो सके। तो विष्णु भगवान बोले, भैया महाशक्तिमान सत्यनारायण भगवान का व्रत करने से मनुष्य को सब प्रकार के दुखों से मुक्ति मिलती है, तो लक्ष्मी नारायण भगवान का व्रत करना चाहिए, अच्छा भगवान व्रत करना चाहिए। नारद जी बोले, हे प्रभु इस व्रत को कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए? विष्णु भगवान कह रहे, भैया मनुष्य को किसी भी दिन धर्म परायण होकर अपने बंधु बांधवों परिवार से एकत्रित होकर लक्ष्मी नारायण भगवान का व्रत करें और भगवान को पके केले का फल, दूध दही शहद घी आटा लय में, आटा ना लय में तो साठी का आटा लय में, गुड़ लय में, शक्कर लय में, मिठाई जो भी हो भगवान को भक्ति भाव से अर्पण करें और भगवान का प्रसाद चरणामृत ग्रहण करें, रात्रि को कीर्तन करें, जागरण करें। ऐसा करते हुए समय व्यतीत करने पर मनुष्य के सभी कर्मों का फल मिलता है, बंदी बंधनों से मुक्त हो जाते हैं, संतानहीनों को संतान की प्राप्ति होती है, पुत्रहीनों को प्राप्ति होती है, पुत्र की प्राप्ति होती है, एवं इस युग का शुभ होकर अंत में वैकुंठ धाम को जाते हैं। सत्यनारायण व्यवसाय प्रथम अध्याय संपूर्ण, सत्यनारायण भगवान की जय। जय गोपाल बोलो हरे गोविंद बोलो, गोपाल बोलो हरे गोविंद बोलो, राधा रमन हरि गोविंद बोलो, राधा रमन हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमन हरि गोपाल बोलो। पुत्रार भगवान की जय। जय अध्याय प्रारंभ हम सुन जी कहते हैं, आगे कथा भी सुनो। किस किसी ने इस व्रत को किया जो है हमारे सुनने की इच्छा है? तो सुन जी कहने लगे, भैया पहले समय में सतानंद नाम का गरीब ब्राह्मण था और भिक्षा मांगने के लिए एक पृथ्वी पर इधर उधर घूमता, तो ब्राह्मण से प्रेम करने वाले विष्णु भगवान ने आकर पूछा कि हे ब्राह्मण देवता पंडित जी महाराज पृथ्वी का इधर उधर क्यों घूमते हो? तो पंडित जी कहने लगे, भैया गरीब ब्राह्मण हूँ, भिक्षा मांग के अपने परिवार का जीवन यापन करता हूँ। तो ब्राह्मण उससे प्रसन्न हो गए, उससे कहने लगे कि अब आगे से ऐसा नहीं होगा, और उसे सत्यनारायण भगवान के व्रत का विधान बताकर वहाँ से अंतर ध्यान हो गए।
तो बूढ़े ब्राह्मण ने मन में विचार किया कि आज जो भगवान ने मुझे व्रत का बधान बताया है उसी में विश्वकर्मा ऐसे मन में विचार करके भिक्षा के लिए नगर गया। भगवान की कृपा से उसे भिक्षा में बहुत सारा धन मिला। उससे वह भगवान के पूजन की सामग्री लेकर अपने घर गया और अपने बंधु बांधवों सहित परिवार से भगवान का पूजन किया। इससे भगवान प्रसन्न हो गए और ब्राह्मण को आशीर्वाद दिया। उसी दिन से वह ब्राह्मण की गली में लग गई और अत्यंत धनवान हो गया और हर महीने भगवान का व्रत एवं पूजन करने लगा। आगे कथा सुनो। एक दिन वही बूढ़े ब्राह्मण अपने घर में अत्यंत भगवान का व्रत कर रहे थे। वहाँ तो तभी वहाँ से एक लकड़ी बेचने वाला लकड़ारा जा रहा था अपनी लकड़ियाँ लेकर। तो उसे प्यास लगी तो अपनी लकड़ियों को बाहर रखकर पंडित जी के घर में पानी पीने के लिए गया। जब पानी पीने के लिए तो उसने क्या देखा कि पंडित जी वहाँ भगवान का पूजन कर रहे हैं। किसान के पूजन में घेरेन डालते हुए सबका वही बैठ गया। जब पूजन पूर्ण हो गया तो भगवान का प्रसाद नाम ग्रहण किया और पंडित जी को हाथ जोड़कर पूछने लगा, हे पंडित जी महाराज आपने ये किसका करते हुए पूजन किया तो मुझसे कहो। तो पंडित जी कहने लगे, भैया ये अच्छा भगवान का व्रत है, इसके करने से ही मेरे यहाँ धन की वृद्धि हुई है। तो बूढ़े लकड़ाए ने प्रसाद चंडामृत लेकर और प्रसाद चंडामृत लेकर वहाँ से भगवान के व्रत का विधान पूछकर अपने नगर को चला गया और वहाँ अपने पूजन की सामग्री इकट्ठी करके भगवान का पूजन किया है और इस युग का अंत में वैकुंठ धाम हो गया है। सत्यनारायण कृपा द्वितीय अध्याय संपूर्ण। सत्यनारायण भगवान की जय। जय लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 उत्तरायण भगवान की जय। ये मैंने देखो ये बना लिया। आओ इसका भोग लगेगा तब उसमें मिल जाएगा, अपने डोंगे में रख लो। अच्छा ये भोग लगा तो उसमें मिला राजा था और पत्नी उसकी पत्नी कमल के समान कमवाली और सती साबुती थी। एक दिन दोनों पति पत्नी ने भद्रशिला नदी के तट पर भगवान सत्यनारायण का व्रत किया। तभी वहाँ एक साधु नामक बनिया अपनी नाव को लेकर व्यापार करने के लिए जा रहा था। तो नाव को नदी के किनारे ठहरा कर उसने राजा से पूछा कि हे राजन आप दोनों पति पत्नी किसका व्रत कर रहे हो? तो राजा ने कहा, भैया साधु जी हम सत्यनारायण का व्रत कर रहे हैं क्योंकि हमारे कोई पुत्र नहीं है और हमारी ऐसी इच्छा है, हमारे विश्वास है सत्यनारायण का व्रत करने से हमें पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। तो साधु बनिया बोला कि संतान तो मेरे लिए कोई नहीं है, तो ऐसा करो कि उसका विधान मुझे ही बताओ और इसके करने से मेरी भी संतान होगी। ऐसा वहाँ से प्रसाद चंडामृत लेकर और व्रत कथा सुन के अपने घर गया और साधु बनिया ने अपनी पत्नी लीलावती, पत्नी का नाम था लीलावती, लीलावती से संतान देने वाले भगवान सत्यनारायण के व्रत के बारे में बताया और उससे कहने लगा कि जब हमारी संतान होगी तब हम इस व्रत को अवश्य करेंगे। और इतना कहने से भगवान प्रसन्न हो गए और भगवान की कृपा से उसकी पत्नी लीलावती सांसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर भगवान सत्यनारायण की कृपा से गर्भवती हो गई है और 10वें महीने में उसके यहाँ एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ और कन्या का नाम रखा गया कलावती। और कलावती पिता के दया में इस प्रकार वृद्धि को प्राप्त होने लगी, ऐसे बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। जब साधु की पत्नी लीलावती ने अपने पति से कहा, हे पतिदेव हमने संकल्प लिया था कि हम बच्चा होने पर संतान होने पर भगवान का व्रत करेंगे तो हमें व्रत करना चाहिए, पर अभिमानी बनिया था लोभी था इसलिए पत्नी को आश्वासन देकर कहने लगा, हे प्रिय जब हम कन्या का विवाह करेंगे ना तब भगवान का पूजन कर लेंगे। ऐसा कहकर व्यापार करने के लिए दूसरे नगर में चला गया। जब व्यापार से वापस लौटा उसने क्या देखा कि उसकी पत्नी उसकी पुत्री बड़ी हो गई है, विवाहित हो गई है। तो उसने अपने नौकर से कहा, भैया जाके एक लड़की के लिए स्वयं लड़का ले आ, लड़की तो विवाहित हो गई। उसका दूध कंचन नगर गया, कंचन नगर कहाँ कलकत्ता नगर गया और वहाँ से देखभाल करके सुंदर सा एक लड़का बनिया का ले आया। साधु बनिया ने प्रसन्न से धोकर अपने परिवार को इकट्ठा किया और अपनी पुत्री का विवाह उस लड़के के साथ कर दिया। पर अभिमानी और झूठा बनिया था विवाह के समय भी भगवान का व्रत एवं पूजन करना भूल गया। इससे भगवान रुष्ट हो गए, उसे श्राप दे दिया कि हे साधु बनिया तुम्हें बहुत दुख प्राप्त होगा। ऐसा कहकर वहां से भगवान अंतर्धान हो गए। पर अपने कार्य में कुशल था बनिया, बहुत चालाक था, अपने दामाद को भी अपने घर रख लिया और धनुष
सुसर्ण मारी राजा चंद्रकेतु के नगर में व्यापार करने के लिए चले गए तो भगवान की माया से प्रेरित होकर कुछ चोरों ने क्या किया कि राजा का धन चुरा कर वह छुपा दिया जहाँ दोनों सुसर्ण मारी अपनी ताव के पास ठहरे हुए थे। राजा के सिपाही आए और दोनों को सुसर्ण मारियों को बंदी बनाकर ले गए। जब उन्होंने हाथ जोड़कर राजा से कहा, हे महाराज, हम चोर नहीं, हम तो व्यापारी हैं, दोनों सुसर्ण मारी हैं, पर राजा ने उनकी एक ही बात नहीं सुनी और दोनों को कठिन कारावास में जेल में डाल दिया। उधर उसकी पत्नी और पुत्री घर पर बहुत दुखी होने लगी। एक दिन उसकी पुत्री जो करावती थी भूख से दुखी होकर